हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ बिंदु प्राचर। तो गाइस, हम जो बायोलॉजी के अंदर जो है चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं प्लस 2 क्लास का, उसमें हमने करनी है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल टॉपिक हमारा चला हुआ है, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो थी उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं हम उसी की एक टाइप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि प्लांट के अंदर होती है। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है कि उसका कोई भी पार्ट लेके जब हम उसको ग्रो कर देते हैं, ठीक है, और उसी से फुली इंडिविजुअल तैयार हो जाता है, वहां पे कोई गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं हो रही है, यानी कि वहां से कोई फ्रेगमेंट लेके या उसका कोई बॉडी पार्ट लेके जो है वो होल इंडिविजुअल डिवेलप कर रहा है, तो हम उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन विच ए पोर्शन, यानी कि उस चीज प्लांट का हम क्या लेंगे, कोई पोर्शन लेंगे, और ए फ्रेगमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी फंक्शन एज प्रोपेगुल। ठीक है, वो कैसे फंक्शन कर रहा है, एज ए प्रोपेगुल एंड डिवेलप इन टू ए न्यू इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें हम बट भी ले सकते हैं, ठीक है, इसमें हम ट्यूबर भी ले सकते हैं, इसमें हम राइजोम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो टू मेथड्स के द्वारा होती है, नेचुरल वे में भी होती है और आर्टिफिशियल वे में भी होती है। नेचुरल मेथड में क्या होता है कि हमारे पास कुछ प्लांट्स की रूट्स जो है, स्टेम्स हैं या लीव्स हैं, उनमें से ही एडवेंटिशियस रूट्स निकल आएंगी और वो होल प्लांट को क्या कर देगी, डिवेलप कर देंगी, होल इंडिविजुअल वहां से डिवेलप हो जाएगा या फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इन्हें हम जो है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से पूरा का पूरा प्लांट जो है वो डिवेलप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं लीव्स की, ब्रायफाइलम का नाम आपने सुना होगा, तो उसमें क्या होता है, काफी थोड़ी देर के लिए, अगर मतलब थोड़े समय के लिए अगर उसको ऐसे ही रखा जाए, अगर वो गिर जाता है भूमि पर खुद ही, ठीक है, तो उसमें से क्या है, रूट्स निकल आती है और वहीं से होल प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो इन्हीं को हम वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को, जो रूट्स है, स्टेम है, ये लीव्स है, वहीं से जो है वो पूरा प्लांट डिवेलप हो रहा है। नेक्स्ट, अगर आर्टिफिशियल मेथड की हम बात करें, तो हॉर्टिकल्चर्स में और गार्डनर्स जो है इस मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि वो इस मेथड को जो है इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनको थोड़े टाइम के अंदर जो है वो बहुत सारे प्लांट्स एक साथ चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी होते हैं, उनकी कल्चरिंग वगैरह भी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, कटिंग के द्वारा, जैसे कि अगर हम रोज की ले लें तो उसकी कटिंग लगाते हैं। ठीक है, और जेनेटिकली सेम प्लांट जो है वो हमें मिलता है, तो जेनेटिकली सेम प्लांट जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो है आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू हम उसको ग्रो कर रहे हैं, उसे हम क्लोन कहते हैं, क्योंकि जिस प्लांट से वो लिया होगा वो जेनेटिकली सिमिलर होगा टू द पेरेंट प्लांट। ठीक है, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे उसका क्लोन कहेंगे। ठीक है, ग्राफ्टिंग के थ्रू, लेयरिंग के थ्रू जो है, आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू जो है प्लांट्स को ग्रो कर लिया जाता है, और ये इकोनॉमिक भी है। ठीक है, कम समय के अंदर हो जाता है, कमर्शियली भी हम प्लांट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि थोड़े समय के अंदर जो है बहुत सारे प्लांट्स जो है वो एक साथ हमें मिल जाते हैं, या जिस वैरायटी का हमें चाहिए होता है वैसा हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल मेथड के थ्रू जो है कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स हैं जिनके थ्रू जो है प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम ले रहे हैं वो है रूट्स। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट्स। तो रूट्स में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उसमें जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं जो कि फुली डेवलप हो जाती हैं इनटू ए न्यू प्लांट। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो हम देख रहे थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट्स। रूट्स के थ्रू में क्या है, देखिए कुछ रूट्स ऐसी होती हैं उनमें से क्या है, एडवेंटिशियस बड ग्रो कर जाती है। ठीक है, रूट्स ऑफ दीज प्लांट डेवलप एडवेंटिशियस बड ऑन देम। तो इनके एग्जांपल क्या है, डेलवर्जिया शिशु, शीशम भी कहते हैं टाली, ठीक है, गुआवा, पॉपुलर, मुराया, एल्बिजो, लेविक। ठीक है, ये जो प्लांट्स हैं इनके रूट्स के अंदर जो है एडवेंटिशियस बड्स ग्रो कर जाती हैं, और इन्हीं बड्स के थ्रू जो है वो पूरा का पूरा प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एडवेंटिशियस बड के साथ साथ उसमें जो होता है
स्पेसिफिक क्वांटिटी में वहां पे फूड भी प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। सम ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स बिसाइड हैविंग एडवेंटिशियस बड्स, यानी कुछ जो ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं उनमें एडवेंटिशियस बड के साथ साथ क्या होता है, आल्सो कंटेन सफिशियंट अमाउंट ऑफ फूड। एग्जाम्पल है डेलिया, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो शक्करकंदी, आपने देखा होगा ट्यूबरस होती है ना वो रूट, ठीक है। तो उसको अगर क्या करेंगे, वहीं से न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। और ये बड जो होती हैं स्प्राउट करेंगी, ठीक है, और सुटेबल कंडीशन में किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, सीड्स में। ये जो स्प्राउट्स होती हैं इनको वहां से कट करके एज ए न्यू प्लांट जो है हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। शीशम जो ये टाली है, इसकी जो एडवेंटिशियस जो बर्ड्स होती हैं वो इतनी फास्ट ग्रोइंग होती हैं कि उनको जल्दी जल्दी, जैसे ही वो पेड़ के साथ जो होती हैं वो टच हो जाती हैं, उनको वहां से कट करके जो है वो एज ए प्लांट, न्यू प्लांट जो है वो ग्रो किया जा सकता है। ये फास्ट ग्रोइंग जो है बर्ड्स होती हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम्स। स्टेम्स के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, तो देखिए कुछ हमारे पास स्ट्रैगलिंग, ठीक है, जैसे आपने अदरक देखा होगा, ठीक है, इस तरह की गांठें होती हैं उनकी और वो ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। ब्रांच राइजोम, सॉरी इस तरह से होंगे, राइजोम्स जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू, ठीक है। सिचेरम, जिंजर, टर्मरिक ये आपने अपने घरों में देखे होंगे। उसके बाद कॉलम्स होती हैं, जैसे कि आपने अरबी कचालू वगैरह देखे होंगे, ठीक है। कॉलम्स लाइक कोलोकेशिया, ठीक है, कचालू, फ्रेशिया एंड क्रोकस, ये क्या होते हैं, इनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड प्रेजेंट होता है और इनमें बहुत सारी एडवेंटिशियस बर्ड्स भी ग्रो करती हैं, ठीक है, जो इनको फुली ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जिंजर और टर्मरिक होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि हमारे पास जो डिकेइंग पार्ट होता है उसको हम हटा देते हैं, लेकिन उसकी इसमें हम पूरा का पूरा ही उसको जो है ग्रो कर देती हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो पुराना ओल्डर पार्ट होगा उसको निकाल देंगे, जो न्यू पार्ट होगा वही जो है आगे फर्दर ग्रोथ के लिए काम आएगा, उसमें जो बर्ड्स होंगी उसी से जो है न्यू प्लांट्स निकलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बल्ब में देखें तो उनके अंदर जो है बहुत सारे नंबर्स ऑफ बर्ड्स उसमें ग्रो करती हैं, जैसे गार्लिक हो गया, ओनियन, लिली, ठीक है, नार्सियस, तो इनमें जो है बर्ड्स के थ्रू यानी ये बल्ब के थ्रू जो है आगे ग्रो कर रही है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है थ्रू स्टेम्स, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि स्टेम्स में हमारे पास ट्यूबर्स भी होते हैं, हमारे पास रनर भी होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम्स में हम इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स क्या होते हैं, ये हमें मिलते हैं पोटैटो और आर्टिचॉक के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इस तरह से हमारे पास पोटैटो होता है ना, ठीक है, तो ये जो स्वॉलन पार्ट है इसी के ऊपर ना इस तरह से आपने कई बार देखेंगी येलो येलो जो है वो बर्ड निकली होती है, ठीक है। हमारे यहाँ आम हिमाचली भाषा में उसे जो है लुंग या फिर जो है आंख भी कहा जाता है, ठीक है। तो ट्यूबर ऑफ ए पोटैटो इज ए स्पोलर एपिकल पार्ट ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांच एंड बियर्स नंबर ऑफ नोड्स एंड आईज, ठीक है। बहुत सारी ये अंडरग्राउंड स्टेम है हमारे पास पोटैटो, जो ट्यूबर होता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, बहुत सारी नोड या आईज जो है वो प्रेजेंट होगी और हर एक आई के पास जो है एक या एक से ज्यादा जो है वो बर्ड हो सकती है, ओके। हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम्स में रनर की बात करेंगे, तो धूप ग्रास के बारे में आपने सुना होगा, जिसे हम पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, मंदिर में भी, ठीक है। तो धूप ग्रास जो होती है वो आपकी एरियल वीक स्टेम्स होती है, इसे लॉन ग्रास भी कहा जाता है, ठीक है। सैनोडोन धूप ग्रास और वुड सोरस जो ऑक्सालिस है, ये ग्रो करती है थ्रू द स्टेम, ठीक है। इसमें जो नोड्स होते हैं ना इस तरह से, ठीक है, तो नोड्स में ही क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी, आगे से आगे जो है ये ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जहां जहां पे नोड्स होगी वहीं पे से जो है न्यू ब्रांच निकल आएगी और ये जो है आगे ग्रो करेगी, ठीक है। Then touches the ground. अब ये नोड्स जो होती हैं जब ग्राउंड को टच करती हैं तो उसमें से क्या निकलता है, एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, ठीक है। When touches the ground, gives off the adventitious root at the nodes. नोड से निकलेगी एडवेंटिशियस रूट्स। और क्या होएगा कि जब पुराना प्लांट जो है वो डाई कर जाएगा या सूख जाता है
तो जो नया प्लांट उसमें से निकला होता है वो ब्रांचेस खुद को अलग करके एज ए सेपरेट प्लांट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। व्हेन ओल्डर प्लांट्स पार्ट डाई द ब्रांचेस सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड फॉर्म ए इंडिपेंडेंट प्लांट। अब हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स। तो कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिसमें से एडवेंटिशियस बर्ड निकल के आ जाती है और यही एडवेंटिशियस बर्ड जो है एज ए फुली प्लांट जो है वो ग्रो कर जाती है, ठीक है। कई जो स्पीशीज ऐसी हैं उनके साथ जो है जब प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, उसके साथ जो लीव्स लगे होते हैं वो जो होती है डोरमेंट स्टेज में रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो डिटैच हो जाती है पेरेंट प्लांट से या मॉइस्चर ऑयल के कॉन्टेक्ट में आ जाती हैं तो वो जो है प्लांट स्टेट वहां से ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो सम प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन देयर लीव्स। एग्जाम्पल में ब्रायोफाइलम है, बिगोनिया है, स्टेप्टोकार्पस है, कालिंचोन है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि लीव्स में जैसे अगर हम ब्रायोफाइलम का ही अगर लीफ ले, इस तरह का होता है, इसे पत्थर चट कहते हैं हम अपनी आम भाषा में। इसमें क्या होता है कि जो ये जो मार्जिन्स होती है ना, इन्हीं मार्जिन्स के ऊपर छोटे छोटे प्लांटलेट्स इस तरह से निकल के आ जाते हैं। यहाँ से पहले एडवर्टिशियस जो बर्ड्स है वो ग्रो करेंगी और यहीं से जो है वो मार्जिन से जो है प्लांटलेट्स ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। ब्रायोफाइलम में नोज मार्जिन ऑफ द सकुलेंट लीव्स बियर एडवेंटिशियस बर्ड्स, ठीक है। इसकी जो मार्जिन होती हैं लीव्स की उस पर एडवेंटिशियस बर्ड्स जो है वो ग्रो करती है। ये बर्ड्स जो हैं वो डोरमेंट रहती हैं। दीज बर्ड्स रिमेन्स डोरमेंट व्हेन लीफ इज अटैच्ड टू द प्लांट। जब तक वो लीफ जो है प्लांट के साथ जो है वो अटैच रहेगा तब तक ये डोरमेंट स्टेज में रहेंगी, लेकिन जैसे ही द लीव्स व्हेन इन कॉन्टेक्ट विद मॉइस्चर ऑयल या तो मॉइस्चर ऑयल के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ये पेरेंट प्लांट से डिटैच होके गिर गया है, ठीक है। डिवेलप न्यू प्लांटलेट्स अलोंग द मार्जिन, वहां से न्यू प्लांटलेट्स जो है वो निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास नेचुरल मेथड। अब हम आर्टिफिशियल मेथड को डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल मेथड को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिफिशियल मेथड में जो है सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है कटिंग, ठीक है। कटिंग में जो प्लांट का पोर्शन है वो रूट भी हो सकती है, स्टेम भी हो सकती है, या फिर वो लीफ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, कटिंग सेपरेटेड पोर्शन ऑफ रूट, स्टेम और लीफ ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं जिसको हम स्टेम कटिंग के थ्रू जो है या फिर कटिंग के थ्रू जो है वो आगे मतलब आर्टिफिशियली ग्रो करवा सकते हैं, वो है शुगर केन, रोज, सिट्रस, डुरांटा, ग्रेप्स, कोकोआ, बोगनविलिया एक्सेट्रा, ठीक है। इन प्लांट्स की अगर आप कटिंग करके लगाते हैं तो सेम पेरेंट प्लांट के जैसा ही प्लांट आपको ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कटिंग जो है दैट इज पुट इनटू द सॉइल। कटिंग जो भी आपने ली है उसको आप सॉइल में लगाएंगे। इसमें क्या होता है, जिसमें हायर नोड्स होती हैं उसे हम जो है वो सॉइल से ऊपर रखते हैं और जो लोअर नोड्स होती हैं उसे हम सॉइल के अंदर रख देते हैं, ठीक है। हायर नोड्स पुट्स अप एंड लोअर नोड्स इनटू द सॉइल। हायर नोड्स को हम पुट करेंगे ऊपर मतलब जमीन से ऊपर और जो लोअर होंगी उनको जमीन से नीचे दबा दिया जाएगा, ठीक है। आज के टाइम पे जो है उनको जल्दी जल्दी ग्रो करवाने के लिए जो है कुछ ग्रोथ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो भी उनको दिए जाते हैं ताकि ग्रोथ जो है यानी एडवर्टिशियस बर्ड उसमें से जो है वो जल्दी जल्दी निकले, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन्स में सबसे पहला है आपके पास IAA दैट इज इंडोल एसिडिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, NAA नेफ्थलीन एसिडिक एसिड। इनको डिल्यूटेड फॉर्म में जो है जो स्टेम होती है उसकी कटिंग की जो लोअर साइड होती है ना, इस तरह से कटिंग जो लोअर साइड होती है उस पे उसको स्मॉल पोर्शंस में लगाया जाता है ताकि क्विकली जो है एडवेंटिशियस बर्ड उसमें से ग्रो कर जाए, ओके। नेक्स्ट जो आर्टिफिशियल मेथड है हमारे पास वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो होती है वो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के अंदर या वैरायटीज के अंदर करवाई जाती है। इसमें जो है एक रूट पार्ट लिया जाता है और एक शूट पार्ट लिया जाता है। जो हमारे पास रूट पार्ट होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं और जो हमारे पास शूट पार्ट होता है उसे हम साइकन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमने रूट पार्ट लिया होता है उसमें रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और साइकन जो होता है उसमें हमें जो डिजायर्ड वेराइटी चाहिए होती है वो प्रेजेंट होती है। तो चलिए देखते हैं। ग्राफ्टिंग इज परफॉर्म्ड बिटवीन द टू प्लांट ऑफ क्लोजली रिलेटेड वेराइटीज। रूट सिस्टम टेकन इज कॉल्ड एज द स्टॉक एंड शूट सिस्टम इज टेकन फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड द साइकल। स्टॉक जो होता है दे यूजली बियर स्ट्रॉन्ग
रोट सिस्टम, जैसे कि देसी आम जो आम उगाते हैं, जैसे क्योंकि उनको फेंक दिया जाता है ना गुठली को और वो हर कहीं जो है ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि उनका जो रूट सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, जबकि आप कोई भी वेराइटी जो है ठीक है वो लेके आते हैं, जैसे ये हो गया लंगड़ा हो गया ठीक है, इस तरह के जो आम होते हैं तो उनको उगाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो उनका रूट सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। साइकर जो होता है ये डिजायर्ड वैरायटी होती है फ्लावर की या फ्रूट की, जैसे कि दशहरी मैंगो है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें मैंगो की ही वैरायटी लेनी है तो रूट सिस्टम जो है हम देसी मैंगो का लेंगे और फ्रूट सिस्टम जो है वो हम दशहरी का लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो अब जो मैंगो उगेगा वो दशहरी ही होगा क्योंकि हमें वही डिजायर्ड वैरायटी जो है वो चाहिए थी, इसीलिए ग्राफ्टिंग वहां पे करवाई जा रही है, ठीक है। सक्सेस ऑफ ग्राफ्टिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, वैस्कुलर टिश्यू ऑफ साइकन एंड स्टॉक, क्योंकि उनके बीच में जो ऑर्गेनिक कनेक्शन बनेगा उसी के थ्रू वो आगे जो है वो ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। जो कट सरफेसेस होते हैं देखिए इस तरह से हम अगर लेते हैं तो ये हमारा जो रूट सिस्टम वाला होता है उसको इस तरह से कट लगाया जाता है, जो शूट सिस्टम वाला होता है उसको इस तरह से कट लगाया जाता है, ठीक है। ये भाई यहाँ पे ना इस तरह से ऐसे होता है, ठीक है, ताकि जो है इनके जो वेस्कुलर कनेक्शन है वो अच्छे से हो पाए। जब इनको जो है बांधा जाता है अच्छे से रैप करके, ठीक है, टाइटली बांधा जाता है कि ये अच्छे से वहां पे जो है कनेक्ट हो जाए। द कट सरफेस शुड बी हेल्ड टुगेदर टाइटली बाय ए रैपिंग मेथड, ठीक है। और इनको जो है एक डिजायर्ड पीरियड में ही करना चाहिए, यानी कि फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल क्लाइमेट के अंदर ही करना चाहिए जब स्प्राउटिंग होती है, नहीं तो क्या होता है कि कई बार साइकन नहीं साथ देता, कई बार स्टॉक नहीं साथ देता और वो ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। हमारे पास बडिंग है, बडिंग में क्या होता है, एक स्मॉल बड पोर्शन ऑफ सराउंडिंग बार्क इज टेकन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए डिजायर्ड प्लांट, यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास ही कोई प्लांट था, इसने ना जो की बड ग्रो करी थी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बार्क के साथ इस बड को जो है यहां से निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास देखिए स्टॉक होता है जो हमारे पास रूटेड प्लांट होता है, ठीक है, उसमें वैसा ही वहां पे होल किया जाएगा और वहां पे उस बड को क्या कर दिया जाएगा, इंसर्ट किया दिया जाएगा और यहां से इसको रैप कर दिया जाएगा, ठीक है। इट इज देन इंसर्टेड इनटू द स्मॉल स्लिट मेड इन द बार्क ऑफ द स्टॉक, स्टॉक में इसको लगा दिया जाएगा। बोथ आर टाइट टूगेदर एंड नॉट अलाउड इट टू ड्राई, इनको सूखने नहीं दिया जाएगा। Words of stalk are not permitted to spoil. अब जो ये स्टॉक था अगर इसमें से कोई बर्ड निकल के आ रही है तो उसको जो है ग्रो नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये डिजायर्ड प्लांट चाहिए जिसकी बर्ड हमने इसके अंदर जो है वो ग्रो करवाई है, ठीक है। रोज और पल्म के अंदर जो है इस तरह। अब हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड के अंदर है लेयरिंग। इस मेथड में क्या होता है कि जो स्टेम की ब्रांच होती है उसको प्रोपेगेशन के लिए जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है, और ये जो ब्रांच होती है ये अटैच रहती है टू द पेरेंट प्लांट तब तक जब तक उसमें से एडवेंटिशियस रूट्स नहीं निकल आती। और ये लेयरिंग जो है ये हमारे पास दो तरह की होती है, एक लेयरिंग जो है वो ग्राउंड में होती है और दूसरी जो है एयर लेयरिंग होती है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे हमारे पास ये कोई प्लांट है, ठीक है, तो इसकी जो स्टेम होगी ना वो फोल्डेबल स्टेम होती है, ठीक है, तो उसको इस तरह से यहाँ पे बी करके कट लगा दिया जाता है, ठीक है। जब उसमें कट लग जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, सॉइल से ढक दिया जाता है, ठीक है। ढक देने के बाद जो है इसमें के जो है एडवेंटिशियस रूट्स जो है निकल आएंगी और जब वो निकल आएंगी तो इसको यहाँ से अलग कर दिया जाता है। एयर लेयरिंग में क्या किया जाता है कि मान लीजिए जैसे ये ब्रांच है, ठीक है, इसमें क्या है इस तरह से कट लगाया जाता है, ये वाला पोर्शन जो है वो कट कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर ये ब्रांच होती है ना, ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर जो है यानी कि जो इसका वैस्कुलर टिश्यूज होती हैं उनको रहने दिया जाता है और बाकी जो है उसको कट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है मॉस, स्पेगनम मॉस जो है उसके साथ इसको जो है वो ढक दिया जाता है। कई बार इसको ऑक्सिन जो ग्रोथ हॉर्मोन्स है वो भी दिए जाते हैं, ठीक है, फिर टाइटली इसको बांध दिया जाता है और इसमें जब एडवेंटिशियस रूट्स निकलती है तब उसको जो है फिर वहां से कट करके जो है एज ए न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट जो है हमारे पास हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड और मॉन्ड लेयरिंग, ठीक है। तो लेयरिंग के अंदर ग्राउंड और मॉन्ड लेयरिंग मैंने आपको अभी बताया कि इसमें क्या होता है कि हम वो स्टेम लेते हैं हर्ब्स जो कि बेंड हो सकती हैं, ठीक है। स्टेम इज कैपेबल ऑफ बेंडिंग, सिलेक्टेड ब्रांच
आएगा यहाँ पे, सिलेक्टेड ब्रांच इज बेंट डाउन टू द सॉइल, ठीक है, जो हमने सिलेक्ट करी होगी, ऐसे मान लीजिए ये पेरेंट प्लांट है जो सिलेक्ट करी होगी, उसको बेंड कर दिया जाएगा इस तरह से सॉइल के अंदर, ठीक है। पोर्शन टचिंग टू द ग्राउंड इज क्लियर ऑफ लीव्स, ठीक है, जो पोर्शन जो इसका है नीचे सॉइल से टच कर रहा होगा उस पर कोई लीफ प्रेजेंट नहीं होगा। कटिंग ए शैलो रिंग और टंग, ठीक है, एंड वी शेप्ड कट, जिसको हम बोलेंगे नॉचिंग, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टेम हमने बेंड करी है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, इस तरह से जो है शैलो रिंग इस तरह से बनाई जाएगी, या फिर हो सकता है कि हम उसके ऊपर ऊपर से छोटा सा कट उसके ऊपर जो है यहां पे लगा देंगे, ठीक है, टंगिंग बोलेंगे इसको, या फिर क्या करेंगे हम उसके लोअर पोर्शन पे जो है इस तरह से डी कट लगाएंगे। तो यही पोर्शन होंगे जहां पे एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो ग्रो करेंगी, ठीक है। ऑक्सिन जो है, ये जो कट लगाए गए है ना यहाँ पे, ऑक्सिन जो कि ग्रोथ हार्मोन होता है प्लांट्स में, वो दिया जाता है टू द इंजर्ड प्लांट टू स्टिमुलेट द एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। और ये किन किन प्लांट्स में जो है वो हो सकती है, जैस्मिन में, स्ट्रॉबेरी में और क्लीमेटिस में, ठीक है। तो इन प्लांट्स के अंदर इस तरह से जो है वो ग्राउंड या बाउंड लेयरिंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है एयर लेयरिंग को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एयर लेयरिंग में। एयर लेयरिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास प्लांट हमने सिलेक्ट किया है उसकी बार्क को वहां से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। बार्क ऑफ द चूजन प्लांट इज कट बाय ग्रेडिंग और रिंगिंग नियर द बेस, ठीक है। मान लो कि जैसे बेस है तो उसमें क्या करेंगे हम, उसको जो है वहां से बार्क को रिमूव कर देंगे, जैसे कि रिंग फॉर्मेशन हो जाती है ना, वैसे रिंग फॉर्मेशन यहाँ पे बना दी जाएगी, ठीक है। इस इंजरी के ऊपर ही जहां पे ये कट लगाया जाएगा वहीं पे रूट फॉर्मेशन होगी। कटेड एरिया जो होगा उसको ट्रीट किया जाएगा ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन के साथ, ठीक है, जैसे हमने जो था पिछले माउंड लेयरिंग में किया था, ठीक है, ग्राउंड लेयरिंग में, ठीक। देन ए बोल ऑफ स्पेग्नम मॉस, स्पेग्नम मॉस जो होती है उसके बोल को यहाँ पे इस तरह से इसके आसपास जो है वो लपेट दिया जाएगा अराउंड द कट पोर्शन। इट इज केप्ट मॉइस्ट एंड इनक्लोज इन द पॉलिथिन बैग, ये क्या करेगा इसको मॉइस्ट रखेगा और बाहर से इसको जो है पॉलिथिन से रैप कर दिया जाएगा। रूट अपीयर, ठीक है, जब इसमें रूट आएगी स्टेम को हम कट कर लेंगे बिलो द लेवल ऑफ द रूट एंड प्लांटिंग, ठीक है, उसको प्लांट कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को गॉटी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये किन किन प्लांट्स में यूज किया जाता है, लीची में, सिट्रस में, पोमोग्रेनेट में, गुआवा में और क्रोटोन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बल्बिल। बल्बिल में क्या होता है कि कई बार जो फ्लोरल बर्ड्स होती है ना वो फ्लैशी हो जाती है और उन्हीं को प्रोपेगेट करके जो है न्यू प्लांट जो है हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है अगेब में और डाइस्कोरिया में, ठीक है। समटाइम्स फ्लोरल बर्ड बिकेम फ्लैशी, एग्जाम्पल अगेब एंड डाइस्कोरिया, इट हेल्प इन द प्रोपेगेशन ऑफ दैट प्लांट, ओके। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वाटर हाइसिन, ठीक है, इसको हम इकोनिया भी कहते हैं और टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। टेरर ऑफ बंगाल इसको क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में, टेरर ऑफ बंगाल भी इसको बोला जाता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फ्लावर किस तरह का होता है। ये फ्री फ्लोटिंग होता है, पेरिनियल होता है, एक्वेटिक हर्ब होता है, ठीक है। और क्या होता है कि वैसे तो ये फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, लेकिन वाटर का लो लेवल जब लो हो जाता है यानी वाटर कम हो जाता है तो उस टाइम पे ये प्लांट्स जो है मड में जाके जो है वो रूट छोड़ देते हैं, प्लांट्स बिकम रूटेड, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये ग्रो करेगा ऑफसेट के थ्रू, ठीक है, जिसके अंदर नोड्स भी प्रेजेंट होती हैं और इसमें जो लीव्स होते हैं वो किडनी शेप्ड होते हैं, एरियल होते हैं, उनमें स्वॉलन पेटियोल्स होते हैं, ठीक है। रूट्स जो है इसकी एडवेंटिशियस होती हैं, फाइब्रस होती हैं और उसमें रूट पैकेट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लीव जो है वो वाटर प्रूफ है, क्यूटिकुलर कवरिंग है उनके ऊपर और उनमें स्टोमेटा और पैलिसेड पेरेन्काइमा भी प्रेजेंट है, ओके। टेरर ऑफ बंगाल इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग वीड है इन वाटर
और जितनी जल्दी ये इसके अंदर जो है प्रोपेगेशन होती है, ये क्या करता है स्टैंडिंग वाटर में बड़े अच्छे से ग्रो कर जाता है और वहां पे क्या होगा वाटर सरफेस को पूरा ढक लेगा। तो उससे क्या होगा जो उसमें रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती क्योंकि ये क्या कर देता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वहां पे कॉज कर देता है, जिससे वहां पे रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, इसको जो था इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया था एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट क्योंकि देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन आज के टाइम पे बंगाल में बहुत सारी लेक्स जो है ये उनको कवर कर चुका है और वहां पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रैपिडली जब इसके अंदर होती है तो और बहुत जल्दी और इसको इरेडिकेट भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आसानी से ये इरेडिकेशन इसकी नहीं होती है। ठीक है, ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये हुआ था नेटिव है ये अमेज़न बेसिन का ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह आया था ये इंडिया में। इंडिया में ये मोस्ट सीरियस पेस्ट है इन द बैकग्राउंड वाटर ऑफ द केरला। ओके, अगर हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो इसमें क्या आता है जो पेरेंट का करेक्टर है वो प्लांट के अंदर प्रिजर्व रहता है। ठीक है, क्विकर मेथड है, शॉर्टर टाइम में यानी थोड़े ही समय में हम बहुत सारे प्लांट्स जो है वो प्रोपेगेट कर सकते हैं। ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑन दैट प्लांट जिनमें वायबल सीड्स नहीं बनते हैं जैसे ग्रेप्स है, जैस्मिन है, बनाना है, ठीक है, तो ये ग्रो कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। इजी वे टू गेट इरेडिकेशन फ्रॉम द पैथोजन। अब देखिए जो प्लांट इस तरह से ग्रो कर जाते हैं हम उनका वो भाग काट के फेंक सकते हैं जिसमें कि पैथोजन लगा हुआ है, तो उससे क्या होता है बाकी प्लांट तो बच जाता है। ठीक है, उसको तो कोई नुकसान नहीं होता, तो इस तरह से इरेडिकेशन करना पैथोजन का वो इजी वे है। ठीक है, फ्लावर जो है स्काई के ऊपर जो प्रोड्यूस होते हैं स्टकन और स्टॉक के बारे में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे जो फ्लावर प्रोड्यूस होंगे वो सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं। और अगर हम बात करें ग्राफ्टिंग की तो ग्राफ्टिंग के थ्रू जो है हम एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो कम समय के अंदर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, कल जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।